Good evening, friends. Thank you for joining Candid MENA every evening to follow what's happening in India and abroad. And thank you for sending me your useful comments and suggestions. If you believe in this channel, do hit the like button, share with friends, and spread the message. Our only mission is to bring you the truth and both sides of the story. Thank you for your support. Today, Kajal Hindustani is back with us with a lot more. Welcome, Kajal. Thank you, Meena ji. Thank you so much for inviting me again on your channel. And I wish a good luck to your channel. And may you get so many followers on your channel, because indeed, it's a channel of truth. And आप जिस मुद्दे को लाती हो बहुत प्रखरता से मुखर होकर आप रखती हो उन मुद्दों को. सो ऑल द बेस्ट टू योर चैनल. और मैं सभी को कहूंगी प्लीज प्लीज फॉलो करिए मीना जी को. थैंक यू सो मच. रियली नाइस ऑफ यू. या सो काजल, सी लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन इंडिया एट द मोमेंट. एवरीथिंग फ्रॉम द कंप्लीट चेंज इन द महाविकास अगाड़ी मूविंग टू यू नो अ लीडर हु पीपल सीम टू थिंक हैज स्ट्रेंथ टू चेंज महाराष्ट्र. So, if you're looking at the latest news in Maharashtra, an ex-minister sacked by Uddhav Thackeray says he will follow Eknath Shinde. Now, the sacking of Vijay Shivtare, who had represented the Purandar constituency in the Pune district, was announced in the Sena mouthpiece Samana. Now, they had sacked the former minister, Vijay, for anti-party activities. The sacking of Vijay, who had represented the Purandar constituency in the Pune district, was announced in the Sena mouthpiece Samana. Talking to reporters in Pune after his expulsion, Vijay said the faction led by Eknath Shinde is the real Shiv Sena and he will follow him. He blamed Sanjay Raut for the present situation in Shiv Sena and said the Shiv Sena member of parliament MP is suffering from schizophrenia and hallucinating. I've expressed multiple times that I'm following the footsteps of Sena's chief Balasaheb Thackeray. We are carrying the legacy of thoughts of Balasaheb. This is the real Shiv Sena. Though the party has axed me today, whatever and wherever Eknath Shinde will go, I will follow him. Now here, Kajal, see, it seems that more and more people are actually discarding Mahavikas Agadi and Shiv Sena, you know, to follow Eknath Shinde. Now, how do you see this move? देखिए जहाँ तक इनका political move का है तो हम पॉलिटिकल लोग तो है नहीं, पर जैसा बाहर से दिखता है उससे मेरे को यही समझ में आता है कि एक मैसेज भी सोसाइटी को गया है, इनफैक्ट हर एक पार्टी को गया है कि ये जो आप यू नो पैतृक सत्ता लेकर बैठ जाते हो, मतलब बाप ने पार्टी बनाई है तो फिर बेटा ही उसकी गद्दी पे बैठेगा, नो मैटर बेटा जो है वो गधा हो और उसका बेटा उससे भी बड़ा गधा हो, बट फिर भी वो गधे ही बैठेंगे. तो आप बताओ कि अगर घोड़े 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 को कहा जाएगा कि गधों से दौड़ना सीखो तो घोड़ा क्या करेगा, वो तो अलग ही हो जाएगा ना, वो गधे से थोड़ी ना सीखेगा कि रेस कैसे लगाई जाती है. तो वही वो हुआ है, एकनाथ शिंदे जो है ये दोनों गधों से कैसे सीखेगा, उद्धव और आदित्य से, या उनके ऑर्डर्स कैसे, जबकि उनको पता है कि जो पार्टी का स्थापना हुआ था वो शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, उनके अखंड स्वराज्य के नाम और भगवा ध्वज को गुरु मानते हुए उस पार्टी को लेकर बनाया गया था. और उसी पार्टी में अगर जो उसका सीएम है उद्धव ठाकरे या जो उसका वारिस है वो तिलक हटाकर जालीदार टोपी पहन के बैठ जाएगा, तो एकनाथ शिंदे जैसे लोग जो बाला साहेब को देखकर पार्टी से जुड़े हैं उनको तो ठगा हुआ महसूस करेंगे वो लोग. तो वो तो इवन ये कहेंगे कि ये तो बेटा जो है, क्योंकि कहते हैं ना एक कहावत है हमारे कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कुमाता नहीं हो सकती या बाप कुबाप नहीं हो सकता, लेकिन पुत्र कुपुत्र निकल सकता है. तो ये जो उद्धव ठाकरे है वो वैसा ही कुपुत्र निकला हुआ है जिसने अपने बाप का नाम बर्बाद कर दिया. और जो पार्टी में जो कर्मठ कार्यकर्ता है एकनाथ शिंदे जैसे, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी, या उन सारे कार्यकर्ताओं का जिन्होंने अपना जीवन दिया, उन्होंने धर्म और स्वराज्य के लिए दिया, स्वराज्य की स्थापना के लिए दिया, भगवा ध्वज को अपने आप को समर्पित किया, और फिर इतना ज्यादा होने लगता है एक पक्ष के लिए और वो भी वो मुस्लिम पक्ष के लिए, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज तो होनी ही होनी थी. और इससे दूसरा मैसेज पॉलिटिकली ये जाता है
कि कोई भी पार्टी लाइक टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, लालू प्रसाद की पार्टी हो या जो भी हो, एक मैसेज ये जाता है कि आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो, इवन कांग्रेस से भी। बहुत से ऐसा नहीं कहती कि कांग्रेस में सारे जो है वो एंटी नेशनल है या एंटी हिंदू है, लेकिन उनको पार्टी लाइन पे चलना पड़ता है और पार्टी लाइन ये है बाकी सभी की के टोपी वालों को गोद में बिठाओ। तो कहीं ना कहीं एक जो अंदर का हर इंसान का हिंदुत्व जागेगा तो सही ना कि भाई आप उनको बिठा रहे हो गोद में कोई बात नहीं, लेकिन हिंदुओं को तो तुम लोग बिल्कुल लात मार के भेज ही दे रहे हो, मतलब देश निकाला दे दिया इस तरह का, रेफ्यूजी की तरह आप उस देश में रख रहे हो, तो बुरा तो लगेगा। तो ये एक मैसेज ये भी जाता है कि जैसे समाजवादी पार्टियां कल को कोई टीएमसी में अच्छा नेता है लेकिन वो ममता की पॉलिसी से वो नहीं करता, उसको सपोर्ट नहीं करता, तो ठेका तो नहीं है ना कि टीएमसी मतलब ममता के बाप की पार्टी, तो वो चाहे तो अब जो एकनाथ शिंदे ने किया सेम वो कर सकता है, तो और बीजेपी करेगी सपोर्ट, उसमें क्या है। अगर अच्छा शासन चाहिए और मोदी जी तो सबका विकास सबके विश्वास और उसकी बात करते हैं, तो मोदी जी तो रियल में सबके लिए अच्छा सोचते हैं, तो जो सबका भला चाहता है वो जुड़ेगा फिर। You're absolutely correct, Kajal. But I want to ask you something. See, when you say that, if you have a son who's more like a donkey, but this donkey, you know, has done so much damage in 2.5 years, you know, so he's not a innocent donkey. He's more of a... वो तो होगा ही, तभी तो डैमेज होने के बाद ही तो पता चलता है ना कि कितना डैमेज हुआ, और कार्यकर्ता को पता चल रहा है कि भाई इतना डैमेज हो चुका है, अब हम बाकी का डैमेज जो है वो रोक दे, और वो रोकने के लिए ही इन्होंने शिंदे जैसे जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो आगे आते हैं और हाथ में लीडरशिप लेते हैं, और बहुत जरूरी है, हर एक पार्टी में अच्छे लीडर तो है ही है। जैसे कांग्रेस में थे शहजाद पूनावाला, आप देखिए कि उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत सही बात करते हैं एंड उनकी बातों में दम होता है और वो न्यूट्रल लगते हैं, बायस नहीं है बिल्कुल, तो ऐसे अच्छे लोगों की कीमत है। जैसे कि हेमंत बिश्वा शर्मा जी कांग्रेस से आए, एक अच्छे नेता थे लेकिन कांग्रेस में कीमत नहीं थी, और देखो भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया और वो बहुत नॉर्थ ईस्ट पूरा हैंडल कर रहे हैं, है ना, ना केवल असम बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो बेचारा दो महिलाएं घूमता रहता था उसके पीछे, पप्पू के पीछे, और वहां बेचारे की फिर भी कोई कीमत नहीं होती थी, और यहाँ देखो एविएशन मिनिस्टर बना दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो ऐसे अच्छे शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी में थे, वहां बेचारे की कोई कीमत नहीं होती थी, अब अपने बीजेपी में आने के बाद में उनको बहुत सारा काम सौंपा, कमान सौंपी, और उन्होंने प्रूव भी किया, और ममता की सीट पर, ममता जहां से ममता लड़ी उसके उनके सामने वो लड़े और जीते भी, ममता हारी है, भले वो अभी चीफ मिनिस्टर बन के बैठ गई है लेकिन उसकी सीट से तो वो हारी है ना। तो ऐसे हर जगह कर्मठ कार्यकर्ता है, लेकिन क्योंकि इन लोगों को कीमत नहीं है तो फिर अच्छे लोग तो छोड़ के जाने ही जाने हैं। Yeah, और डैमेज तो देखो होगा ही होगा, वो कहते हैं ना कि बारिश की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा बारिश होती है तो किसान की खेती भी खराब हो जाती है, फसलें खराब होती है, और इन अ सेम वे बारिश चाहिए भी अच्छी फसल के लिए, पर फिर बहुत ज्यादा होती है तो डैमेज भी करती है। ओके काजल, सी आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन, आई डोंट नो whether you've thought of it, see when this garment fell down, the most important person who was revealed at that time was Paramveer Singh. Okay, now there is no address of Paramveer Singh. Where has this man disappeared? Have you ever thought of that? हाँ, मैंने भी इसके बारे में सोचा, और आप देखिए कि ये जो पूरी लॉबी थी, ये पूरी लॉबी अब कहाँ है। जब हम इसको हम थोड़ा सा बैक में जाते कि जब सुशांत सिंह राजपूत का पूरा मैटर आया था, तब यही वाजे और परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे, और ये जो वहां के जो होम मिनिस्टर उस वक्त के थे एनसीपी के, वो आज ये सब कहाँ गायब हो गए, और ये क्यों नहीं है, क्या कोई इन पर दबाव बना रहा है, या फिर ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसकी जांच कर रही है, क्योंकि जैसे
अंबानीज को डायरेक्ट थ्रेट वाजे के थ्रू मिला था, और उनके घर के बाहर ही जैसे इन्होंने पूरा जीप में प्लांट किया था बॉम्ब, उसी तरह से कैसे एक सुशांत वाले मैटर को भी पूरा कवर अप करने का पूरा किया गया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो है, हम पहले हम जब छोटे थे तो हमने सुना था कि मुंबई में जो है दाऊद का राज चलता है, तो दाऊद को मुंबई में दाऊद बनाने वाला कौन है, उसको उतना सपोर्ट किसने करा, पॉलिटिशियंस नहीं करा। कौन थे उस वक्त के वो महान बड़े दिग्गज पॉलिटिशियंस, वो तब थे, वो अभी भी है, वही लोग हैं और वही मुंबई पे रूल कर रहे हैं, और वही लोग प्लान करते हैं, बकायदा हफ्ता वसूली होती है एक्टर एक्ट्रेस से, ये सलमान खान से लेके नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक, और अजय देवगन से लेके राजकुमार राव तक, सबको हफ्ता देना पड़ता है वही पे। दाऊद भले वहां पे नहीं रह रहा है, पर वही पॉलिटिशियंस की पूरी चौगड़ी वहां पे रह रही है, और फिर वो पॉलिटिशियंस अपना पैसा कहाँ से आया वो ऐसे दिखाते हैं कि हमने घर में गमले के अंदर गोभी की खेती की थी और उससे हमारे पास में करोड़ों रुपया आया। तो आप समझ रहे हो कि ये पूरा तो वहीं से चला आ रहा है। अब हो क्या रहा है कि फुल हैंड गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा, और गवर्नमेंट जब आकर अपने काम भी करती है तो आरोप भी लगाते हैं कि भाई एजेंसियां छोड़ रखी है, जैसे कि अभी एनसीपी के फाउंडर को नोटिस गया आईटी का, तो उन्होंने कहा ये तो बदला लिया जा रहा है, हम पर हमारे पर पॉलिटिकल गेम हो रही है, तो ये सारी बातें उठी। तो क्या सरकार अपना काम भी ना करे? चिदंबरम साहब है या उनके बेटे जी है जो दोनों थोड़ा थोड़ा दिन जेल में बिता के आए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करा इन लोगों ने, यहाँ से पैसा बाहर जाता है, कैसे लॉन्डर होके आता है, कैसे शेल कंपनियों के थ्रू लॉन्ड्रिंग की जाती है, तो ये सब तो सबको पता ही है, कैसे रॉबर्ट वाड्रा भंगार बेचता था और वहां से फिर मल्टी मिलियनर हो गया, और बहुत सी चेन होटल्स के और बहुत सी कंस्ट्रक्शन साइट के वो मालिक बन गए, तो भंगार बेचने वाले के पास कहाँ से आया? अच्छा, राहुल गांधी के पास इतना सारा धन दौलत कहाँ से आई? क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है, एमएलए और एमपी की सैलरी इतनी नहीं होती है कि इटली का एक पूरा एरिया ही खरीद ले, इतनी तो सैलरी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो अपने आप को बहुत ज्यादा ईमानदार बताते हैं वो उनसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। तो ये और ये सारे लोग गायब नहीं हुए, ये कहीं ना कहीं इनको पता है कि अब इस जगह हमारा ना तो हमारे पास में, अब यहाँ पे जितना मुंबई में दादागिरी कर इन लोगों ने करा था, तो जैसे दिन दहाड़े कंगना का घर तोड़ना या सुशांत के पूरे मैटर को दबाना या जो भी एक फेसबुक पोस्ट पे मुंबई में लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता था, एक आर्मी वाले को बेचारे को उसके बिल्डिंग में घुसकर उस आर्मी वाले को बेचारे को शिवसेना के गुंडों ने मारा, तो ये सब लोग भूले नहीं है। और आप देखो कि इतने सालों से आज मुंबई में ड्रेनेज प्रॉब्लम है, बारिश आती है पूरा मुंबई स्विमिंग पूल बन जाता है, कौन है इतने सालों से बीएमसी में, कौन रूल कर रहा है बीएमसी में? सबसे ज्यादा पैसा भी बीएमसी के पास है, पूरे भारत का सबसे पैसे वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी है, और इतना पैसा होने के बाद भी प्रॉब्लम ज्यों की त्यों है, वो तो हो ही नहीं रही है। तो एक और, अब वोटर्स भी बहुत होशियार हो गए मीना जी, और थैंक्स टू सोशल मीडिया की जो जागरूक करता है, अब मीडिया वालों के हाथ में कुछ नहीं रहा है कि एनडीटीवी जो बोलेगा और जो दिखाएगा वही लोगों को सुनना पड़ेगा। अब आपके जैसे भी लोग हैं जो जागरूक करते हैं, आपकी चैनल पर आप हर रोज ऐसे अच्छे टॉपिक आप लेकर आती हो और अच्छे मुद्दे लाकर आप चीजों को लोगों के सामने रखती हो और रियलिटी रखने की कोशिश करती हो, तो इन सारी चीजों से वोटर इतना होशियार हो गया कि उसको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो भी तो स्मार्ट हुआ है। तो अब बीएमसी का चुनाव था, और ये अभी क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ कि एकनाथ शिंदे ने ये कहा उद्धव ठाकरे को कि भाई हम लोग बीएमसी का चुनाव इंडिविजुअल लड़ेंगे, उद्धव ठाकरे ने कहा कि नहीं हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ ही लड़ेंगे। एकनाथ शिंदे को ये तो पता था कि जो संजय राउत उसको जो घुट्टी पिला रहा है वो गलत कर रहा है, और इसमें तो गधे में बुद्धि है ही नहीं, और ये गधा जो है वो हमारी बैंड बजा देगा तो जो इतने सालों से बीएमसी पर शिवसेना की हुकूमत है वो भी खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इन्वॉल्व हुई, और फिर उन्होंने मना करा, वो नहीं माने, तो उसके बाद एकनाथ शिंदे ने डिसाइड करा और वो अलग हो गए, और वो एक अलग शिवसेना, मतलब वो ओरिजिनली शिवसेना है, एट द एंड ऑफ द डे नंबर्स मैटर,
जिसके पास में नंबर है उसी की वो पार्टी है। नहीं। तो उद्धव ठाकरे जो है वो अपने ही पार्टी से बर्खास्त कर दिए गए हैं। तो अब ये बीएमसी के चुनाव में आप देखिए कितनी सारी चीजें बाहर आएगी, लेकिन मुझे लगता है अगर बीजेपी बीएमसी का चुनाव शिवसेना के साथ लड़ती है तो इस बार जो मेयर बनाना चाहिए वो भाजपा से होना चाहिए। ऐसा हमारी सोच, हमारी कॉमन लोगों की सोच ऐसी है। Kajal, why do you think Eknath Shinde dismissed all the other people who were under Uddhav except this boy Aditya Thackeray? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाई। तो सबको जो जो उनके नीचे थे, उद्धव ठाकरे के नीचे जो जो भी थे उनको सब डिसमिस करके सिर्फ आदित्य ठाकरे को एक्सेप्ट किया पार्टी में, तो वो किस रीजन के लिए, किस रीजन? सिंपल, पीछे ठाकरे है ना, और दूसरा ये कि बाप बेटे की ढकेगा, बेटा बाप की ढकेगा, तो कहीं ना कहीं वो बाप को बेटे के लिए और बेटे को बाप के लिए वो थोड़ा तो वो रहेगा ना, ठाकरे सरनेम है तो वो अलग नहीं हो सकता। अब जैसे राहुल गांधी है तो राहुल गांधी को पता था कि उसकी अहमद पटेल से बिल्कुल नहीं बनती, फिर भी सोनिया गांधी अहमद पटेल को लेके बैठी थी, मेरा मतलब है बैठी थी मतलब अहमद पटेल की सलाह पे ही अपनी पार्टी चलाती थी। राहुल गांधी को पसंद नहीं आता था, पर अब वो बेटा है, माँ को छोड़ तो नहीं सकता, और माँ है तो बेटे को छोड़ नहीं सकती, इसलिए वो दोनों थे। अब अहमद पटेल निकल लिए तो अहमद पटेल चले गए, तो अब उनका जो बेटा, तो राहुल गांधी ने क्या करा, उनके बेटे को लात मार दी। अब अहमद पटेल का बेटा जो है वो ये गुजरात में है और इन आने वाले चुनावों में शायद इंडिविजुअल लड़े, क्योंकि कांग्रेस से टिकट मिलेगी नहीं। सो व्हाट, तो माँ जो है, माँ तो आखिर में बेटे को ही लेके चलेगी ना, तो इन सेम वे उद्धव ठाकरे ठाकरे साथ साथ में। सी नाउ द ट्रूथ हैज कम आउट काजल, दैट बिहाइंड अहमद पटेल was Sonia Gandhi in this dastardly, you know what you say, dastardly deed that was done against Modi. Modi ji. And a lot of money was paid to Teesta, Setalwar. Now, see, this is something, Kajal, that we knew long time back. It is only coming out slowly, slowly, you know, open. This is the second term of BJP. Only now is the complete truth coming out. Why did it take so much time? वही मैं, मेरा भी, मुझे भी ये बहुत बार मेरे दिमाग में भी बात आती है कि इतना वक्त क्यों लगता है बाहर आने में, and it's been 8 years of Modi government. Yes. और ऐसे सारे लोग, जालसाज लोग, जो जिन्होंने मतलब स्टोरी कुक करी और जिन्होंने फेक आई विटनेस खड़े करे या पैसे देके जो है पूरी पूरी लॉबी बनाई, तो मोदी जी ने तो बहुत यहाँ पे मतलब बीइंग सीएम उन्होंने बहुत ज्यादा सहन भी किया इनका टॉर्चर, क्योंकि सेंटर में सोनिया सरकार थी एंड मोदी जी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री है भारत के इतिहास के जो 24-24 घंटे जांच एजेंसियों के साथ बैठते थे और उनके सवालों के जवाब देते थे। बुला के दिखाओ हिम्मत है ममता बैनर्जी को, सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी बीजेपी गवर्नमेंट में है। अगर बीजेपी को, जैसा ये मोदी को नाजी बोलते हैं या ये मोदी को यू नो एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं या ये जो भी आरोप लगाते हैं मोदी जी पर, फैनेटिक है या हिंदुत्व बिगट है, अगर मोदी जी ऐसे होते ना तो इनका वो हाल करते जो आज ममता वहां पे बैठ के जैसी तानाशाही कर रही है, जैसे 2-2.5 साल के अपने कार्यकाल में उद्धव ठाकरे ने करी जैसी तानाशाही और जैसी सोनिया गांधी ने तानाशाही करी थी कि बेचारे बाबा रामदेव को वो शांति से बैठे थे और उनको मारा है संतों पे, और हमारे श्री शंकराचार्य जी को झूठे इल्जाम में अरेस्ट करवाया। तो अगर मोदी जी ऐसे होते ना तो आज सोनिया गांधी और इसका जमाई, बेटा, बेटी ये सब अंदर होते, कोई बाहर नहीं आया होता। और ये कहते कि जुडिशरी, अगर जुडिशरी मैनिपुलेट करते मोदी जी या कर सकते या उनके हाथ में होता तो ये सब लोग आज बाहर होते क्या? इनके सवाल में इनके जवाब है, इनके आरोप में ही जवाब छिपे। लेकिन वो कहते हैं ना कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो आज भी सोनिया का ही चलाया हुआ चल रहा है इस देश में, और आज भी इस देश में कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप ही राज कर रहा है और उन्हीं की चलाई हुई सिस्टम पर सब चल रहा है। तो मोदी जी तो सबसे ज्यादा लिबरल व्यक्ति है
और आप देखो कि सबसे ज्यादा बोलने की आजादी जिसको कहते हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच और जर्नलिस्ट की फ्रीडम, वो तो सारी बीजेपी के स्टेट में ही है। आप राजस्थान में बोल के दिखाओ आप अरेस्ट हो जाओगे, आप और कोई भी नॉन बीजेपी स्टेट में बोल के दिखाओ आप अरेस्ट हो जाओगे। वो बिचारी वो मराठी एक्ट्रेस 40 डेज आई है क्योंकि उसने जो है उस पे कमेंट कर दी संजय राउत पे और उद्धव ठाकरे पे, तो क्या हो गया, कर दी। तो ये दिन पूरा दिन रात नरेंद्र भाई मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को गालियां नहीं बकते, कितना गंदा बोलते हैं। अब वो जुबेर जेल में है, वो ऑल्ट न्यूज का फैक्ट चेकर नहीं है, वो फेक न्यूज पेडलर है। कैसे उसके लिए जो है पूरी ये लॉबी आ गई उसका अता नहीं तो पता, वो 2012 से पहले कहाँ था, कहाँ से आया, कहाँ से टपका, कहाँ से। कुछ लोग कहते हैं कि वो कसब का भाई है। हाँ, ऐसी बातें मेरे भी सुनने में आई हैं। अब वो तो जांच एजेंसियां है जो सब पता लगाएगी और डेफिनेटली मोदी जी इस भारत के गद्दारों को छोड़ेंगे नहीं। सो ये भी सुना था कि अहमद पटेल के बेटा अमीषा पटेल के पीछे है। हाँ, अमीषा और प्रपोजल्स ट्विटर पे करते हैं। देखिए इनका तो क्या, ये लोग तो फिल्म एक्ट्रेस को ही फंसाने में और पटाने में रहते हैं। जैसे वो ये छोटा गधा है, बेबी पेंगुइन बोलते हो इसको, तो उसको पेंगुइन मत बोला, तो छोटा गधा है। तो उसका भी वो ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस के साथ चलता। और आपको मैं बता दूं कि जो सबसे बड़ा डार्क वेब है ना, वो यही चलाता है मुंबई में बैठ के ही, और सारे गलत धंधे उस पे यही होते और यही उसका किंग है, और ये इसके थ्रू ही सारी डील होती है। और बॉलीवुड में बहुत अंदर तक ये जा चुके हैं। हाँ। और बॉलीवुड जो है वो इनके इशारों पे ही चलती उठती बैठती नाचती है। और आप मुझे बताओ कि मुंबई में अगर ठाकरे का वर्चस्व है जो कि सब मानते हैं, तो उसी मुंबई में बॉलीवुड आया है, वो इतनी एंटी हिंदू मूवियां बनाता है, और आज से नहीं सालों से, जब बाला साहेब जीवित थे तभी भी, तो कौन शह दे रहा था, किसकी शह पे हो रहा था। मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना भी नहीं चाहती और मैं उनके लिए कुछ बोलना भी नहीं चाहती जो अब है नहीं, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि बॉलीवुड में जो जो वहां पे है। अब कोई योगी जी अभी यूपी में नोएडा में बहुत बड़ी वो बना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री, और योगी जी ने आमंत्रण दिया, आओ सब यहाँ पे बनाओ और ये सब करो, तो वहां पे ऐसे गलत काम करेंगे तो क्या योगी जी चलाएंगे, क्या नहीं चलाएंगे। और अगर उनके उनके स्टेट में गलत काम होगा तो सवाल तो फिर योगी जी से भी तो सलोक करेंगे ना। तो अभी अहमद पटेल ने जैसे 30 लाख रुपए उस वक्त, ये तो अभी सामने आ रही है बात, ये तो करोड़ों में है क्योंकि अमिताभ बच्चन के पास वाला ही बंगला जो तिस्ता से तलवाड़ का कहा जाता है, तिस्ता यूसुफ से तलवाड़ का, कहते हैं मैंने सुना है कि उसमें 3000 एकड़ का तो खाली गार्डन है। जुहू पे मेन क्राइम मेन क्रीम एरिया में तिश्ता शीतलवाड़ कौन है, चवन्नी छाप है वो, है क्या वो उसका वो पब्लिक डोमेन में रखे ना आईटी रिटर्न, तो पता तो चले ना कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कुछ भी तो नहीं है। तो इतना बड़ा उसके पास कहां से आ गया, तो किस किस ने फंडिंग दी, कितना पैसा लिया मोदी जी को फंसाने के लिए 2002 में। और वो सोनिया गांधी ने इन सबकी करता धरता, और मैं आपको बताती हूँ ये एक औरत अपने देश में ऐसी बैठी है कि जब तक ये रहेगी ना इस देश में ये दंगे भी होते रहेंगे, इस देश में ये कम्युनिस्ट जिहादी एजेंडा चलते रहेंगे, इस देश में हिंदुओं का यूं ही कत्लेआम होता रहेगा, इस देश में जो पड़ोसी देश है वो इसी तरह से चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान इसी तरह से परेशान करते रहेंगे, इसी तरह से विदेशी जो दूसरे देश है जो उसके यार बने बैठे हैं सोनिया के, वो इसी तरह से हम लोगों को परेशान करते रहेंगे, ये होता रहेगा। और इस एक औरत ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है, और जब तक ये जीवित है ना तब तक यही हम सब फेस करते रहेंगे एवरी डे। इनफैक्ट मैं ये कहती हूँ कि काजल की यू नो जनरेशंस लाइक अस वी लॉस्ट सो मच बिकॉज़ वी वर अंडर हर रूल, we could not enjoy the benefits of being an Indian, you know. बहुत even हम लोग तो अभी भी face कर रहे हैं। आप देखो ना कि
इनको आज की मैं आपको बात बता रही हूँ ना, मैंने आपको कहा ना कि मैं अभी ये कलेक्टर से मिलके आई, एक पूरा इलीगल एनक्रोचमेंट, बहुत बड़ा अवैध मजारे और दरगाह बना दी गई है, और वो भी कहाँ पे, जो डैम है जहाँ पे साल भर का पानी स्टोर होता है, वो सबसे बड़े डैम पे इतना बड़ा अवैध पूरा बांध काम बना, बनाने वाला कोई परमिशन नहीं ले रहा है, और यहाँ पे हम परेशान हुए जा रहे हैं। वो पानी में जहर मिला सकता है, कितनों की मौत होगी, वो पानी में कुछ भी ऐसा मिला सकता है कि हिंदू स्लो पॉइजन ले लेके रोज मरे जा रहा है, मर रहा है। वो पानी में कुछ ऐसा मिला सकता है कि जिससे हिंदुओं को कोई और कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, कुछ और बीमारियां आ सकती है, स्किन का रोग हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, बहुत से ऐसे रोग हो सकते हैं। और आपने देखा है कि कैसे अभी जो असम में बाढ़ आई सिलचर में, वो बाढ़ आई नहीं थी, वो बांध जो है वो तोड़ा था मुसलमानों ने, जिहादियों ने, इन जिहादियों ने जो तोड़ा, उसकी वजह से कितने हिंदुओं का नुकसान हुआ, पूरा गांव बह गया, कितने जानवर पशु मारे गए, कितने लोगों के घर छीने गए, किसका नुकसान हुआ, हिंदुओं का नुकसान हुआ। और बनाने में उनका उनका कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ तुड़वाने के लिए हम लोग चक्कर काटे जा रहे हैं, चक्कर काटे जा रहे हैं। इधर गुजरात की ये हालत है जहां पे 25 साल से बीजेपी है, बताओ आप सिस्टम किसकी है, ये पूरी कम्युनिस्ट इस्लामिक सिस्टम खड़ी कर दी गई है। और कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऐसे नेता भी, हमारे कुछ एक नेता ऐसे हैं जो इसी सिस्टम का हिस्सा है, जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, और पैसे के लिए ये किसी को भी बेच सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, और कोई भी गलत काम ये कर सकते हैं। गौचर की जगह इन लोगों ने पचा ली गौ माता की, हम भगवान कृष्ण के आराध्य है, हमारे देव है, और जब देव जिनकी पूजा करते हो, के कृष्ण भगवान जिनकी पूजा करते थे वो गौ माता थी, तो देव जिनको पूजते हैं उनका ये लोग जगह खा रहे हैं, उसकी जगह को हड़प रहे हैं, गौचर की जगह पर इन लोगों ने इतने अवैध कब्जे करे। और हमको दो दो तीन तीन साल हो गए एक एक मैटर को सुलटाने में, मीना जी दो दो तीन तीन साल, इतना पेट्रोल जाता है, इतने एग्जॉस्ट हो जाते, कितनी फाइलें, खाली एक एक जगह की फाइल की जेरोक्स एक टेबल से दूसरे टेबल पर हमें देने में, हमारे फाइलें बनाने में 15-20 हज़ार जाते हैं, जेरोक्स करने में, आप सोचो 15-20 हज़ार की हम जेरोक्स से करते हैं एक इशू की, आपको कौन कौन पर्टिकुलर एक फंड प्रॉपर्टी फंड करता है काजल? कोई फंड नहीं करता, मैं तो घर का पैसा डाल रही हूँ, घर का पैसा, और वो भी कैसे लिमिटेड सोर्स से। पिछले 3 साल से तो मैंने कोई ज्वेलरी नहीं खरीदी, कोई ज्वेलरी नहीं खरीदी, हर साल में दिवाली पे 7-8 लाख की ज्वेलरी खरीदती थी, पिछले 3 साल से ज्वेलरी खरीदना ही छोड़ दिया, क्योंकि पैसा तो इसमें जा रहा है। अब मेरे पास तो लिमिटेड ऑप्शन है, मैं कोई अंबानी की बेटी तो हूं नहीं, और ना ही मेरे मेरे तो आप ये क्यों अम्मी, करते हैं? तो हम पागल है ना, हम धर्म के लिए पागल है, हम देश के लिए पागल है, तो इसलिए हम करते हैं। ऐसे ही तो कुछ पागल हमारे पूर्वज रहे थे कि वो लड़े, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, नायिका देवी, कमलापति, अहिल्याबाई होलकर, ये सब, इसलिए तो ये भी हमारी तरफ पागल ही थे, इन्हें ही चिंता थी, इसलिए तो आप और मैं अभी बुरखे में नहीं है, जो ये कुछ एक लोग नहीं लड़े होते तो। और उसी तरह से हमारी जनरेशन में हम लोग फाइट कर रहे हैं, और हम लोग नहीं करेंगे तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ियां तो हमारा श्राद्ध भी नहीं मनाएगी, हमारे पितृ पाठ भी, अभी पितृ महीना आएगा अभी 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, तो ये पितृ महीने में हमारे श्राद्ध भी नहीं करेंगी, हमारे बच्चे हमें गालियां देंगे कि क्या हमें देश देके गए हो, इससे तो अच्छा है हम लोग जल्दी से तिलक हटा के टोपी पहन ले, सुरक्षित तो रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो हिंदू का नाम पूछ के मारा जा रहा है, कश्मीर में नाम पूछ के मारा जा रहा है कि हिंदू नाम है तो टीचरों को मार दो। आपको क्या लगता है हालत क्या, अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है 2 दिन से, एक एक फेसबुक पोस्ट पे अमर या अजय करके वो लड़का था, छोटा बच्चा, उसने एक पोस्ट कर दी मोहम्मद पैगंबर को लेके, और इन जिहादियों ने, भारत में कत्लेआम हो रहे हैं, तो आप सोचो बांग्लादेश में क्या हो रहा होगा, 70 परिवार हिंदुओं के लूटे गए और जलाए गए, 70 परिवार। अब कहाँ गए ये ह्यूमन राइट्स वाले, ये ह्यूमन राइट्स वाले वहां पे बैठ के, अमेरिका में बैठ के तिश्ता शेतलवाड़ के लिए ट्वीट करते हैं जब उसको अरेस्ट करके ले गए, और ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो अभी हमारे हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स की कोई यूनाइटेड नेशन में क्यों बात नहीं नहीं करता मगर मगर यहाँ काजल इसमें तो और भी बड़ा एक एजेंडा है, ये तो बांग्लादेश से कंप्लीट हिंदूज को निकालना चाहते हैं।
हाँ, और हम लोग अपने लोगों को शरण ही नहीं दे रहे। अभी मैं आपको गुजरात का एक किस्सा बताती हूँ। यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी रहते हैं, मैं काफी लोगों की टेक केयर करती हूँ। वो पुलिस वाला पीआई रोज उसको, पीएसआई रोज उसको जाके हुल दे के आता है, क्योंकि उस बेचारे का पासपोर्ट पूरा हो गया है। अब पासपोर्ट की पूरी उसकी जो जो उसका था वो डेट एक्सपायर हो गई। अब वो बोलते हैं कि हम नहीं जानते तुम तुम्हारा, तो वो बोल रहा है मेरे को पासपोर्ट नया बनाने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। पाकिस्तान वालों को छोड़ेंगे पता है मैं इंडिया रह के आया हूँ, तो वहां की सरकार हमें और परेशान करती है। हम वहां से सब छोड़ छाड़ कर देश में आए, देश में भी आप हमें शांति से रहने नहीं दे रहे हो। बोलते अभी रातों रात इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे, वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे लेके के रातों रात तुम यहाँ से दिल्ली जाओ, वहां से वहां की एम्बेसी में जाओ, वहां से ये कागज ला के दो। आप सोचो क्या हालत हो रही है इन लोगों की। ये कौन बोलते तो हैं? कोई भारत में भी आके नहीं, मतलब कौन अब ये बोलते हैं सोच रहे काजल? हैं। कौन बोलते हैं ऐसे? कौन बोलते हैं इनको ऐसे कि वहां जाना है, वहां जाना है? ये पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस परेशान करती है। तो गुजरात पुलिस करप्ट है? मुझे नहीं पता कैसी है क्या है, आई डोंट क्योंकि नो। मुझे भी रिपोर्ट्स मिला है ऐसे इस यू नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द पुलिस, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. नहीं, और मैं ये कहती हूँ कि जो उनके उनके जो लीडर बने बैठे हैं यहाँ पे, ज्यादातर जो लोग आए वो ठाकुर समाज से, ठाकुर जो है वो ओबीसी में आता है, और उसी के ही वो जिस एरिया में रहते हैं वहां पे अल्पेश ठाकुर, आपने नाम सुना, मैं नाम ले रही हूँ आज चैनल पे उसका, तो बहुत बड़ा ठाकुर का नेता बन के बैठा होता है। तुम इनका वीजा का या इनका जो एक्सपायर हुआ है या इनको जो परेशानी हो रही है वो अपने ठाकुर समाज की तो सॉल्व करो। नहीं, पर वो वोट बैंक का है, हम तो बांग्लादेशियों को लाएंगे। गुजरात में कितने बांग्लादेशी आ गए आपको मालूम है? पूरा जो कच्छ एरिया है ना उसमें बांग्लादेशी घुस गए हैं, और वहां पे कच्छ में जो पोर्ट आया है ना, टूना पोर्ट और कंडला पोर्ट, उस टूना और कंडला पोर्ट में 95 to 98%, चलो 99% मैं कह रही, मैं तो आपको बहुत कम बता रही हूँ, सारे के सारे लेबर मुस्लिम्स है, कॉन्ट्रैक्टर मुस्लिम्स है, लोडिंग अनलोडिंग करने वाले मुस्लिम्स, और कोई अगर नॉन मुस्लिम चला जाता है तो उसको ये लोग परेशान करके भगा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम भारत में नहीं रह रहे, हम गुजरात में नहीं रह रहे, हम किसी पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये तो हालत है जिसे करना होता है ना। ये सारी बातें नरेंद्र भाई मोदी तक जानी चाहिए, या शायद कोई पहुंचा नहीं रहा है, क्योंकि 7 साल में जब मोदी जी यहाँ से गए, 8 साल पहले सब कुछ ठीक था। पिछले 8 सालों में बहुत से ऐसी जगह है गुजरात में कि जहां इस तरह से हो रहा है, जो बेचारे शरणार्थी आ रहे हैं उनको भगाया जा रहा है और बांग्लादेशियों को बुलाया जा रहा है, आओ आओ यहाँ पे आओ, रहो, रहना खाना पीना जॉब नौकरी, उनके पास और आधार कार्ड, उनके बीजेपी पास इलेक्शन का कैसे गवर्नमेंट है एवरीथिंग। बोलता है, एंड इट इज अंडर बीजेपी गवर्नमेंट. और ये हो, और फिर क्या होता है, बात पहुंचती नहीं है, वहां तक जाती ही नहीं है। क्या करेगा वो बेचारा हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से अपना सब कुछ छोड़ के आया है? उससे ज्यादा अच्छी हालत में तो हमारे गुजरात में बांग्लादेशी रह रहे हैं, बहुत अच्छी हालत में। तो फिर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में उनको भी आएगा ना कि यार हम वहां से छोड़ के यहाँ आए, पर यहाँ भी हमें परेशानी किया जा रहा है, इससे तो अच्छा है कि हम वहां रह के इस्लाम स्वीकार कर लेते, बुरा क्या था। कभी कभी मुझे भी होता है, 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि तू कितना ही कर ले काजल, कुछ सालों बाद पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही धर्म रहने वाले, एक क्रिश्चियनिटी और एक इस्लाम, तुम जैसे लोग मरने के लिए ही पैदा हुए हो। मेरा हस्बैंड मुझे ही बोल रहा है, क्योंकि वो लिटरली जो है वो देख रहा है पेन, कि इतना भटकने के बावजूद, इतना पीछे पड़ने के बावजूद काम नहीं हो रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं। मंत्री का डर नहीं है सरकारी अधिकारी को, एक सरकारी अधिकारी दूसरे पे ढोलता है, दूसरा तीसरे पे ढोलता है, वो भी सोचो मेरे जैसे इंसान के साथ मैं ये फेस कर रही हूँ, जो इतनी स्ट्रांग है, जो जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, जिसकी आवाज लोग सुनते हैं, जिसको लोग सुनते हैं, मेरी वॉइस लाखों तक पहुंचती है, जब मेरा जैसा इंसान ये फेस कर रहा है तो सोचो आम इंसान की क्या हालत है। तो मेरे को बहुत मीठा तो बोलना नहीं आता है, पर मुझे ये लगता है कि कोई हमारी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। कोई भी राज्य हो, चाहे भाजपा का राज्य हो चाहे भाजपा का राज्य ना हो, बेनिफिट सिर्फ इतना मिलता है भाजपा के राज्य में कि आप खुल के बोल सकते हो, आपको जेल में बंद नहीं किया जाता। एंड नॉन बीजेपी स्टेट में आप बोलोगे जिस गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध, तो आपको जेल में भर दिया जाएगा, बस इतना ही है, बाकी सब सेम है, कोई वो नहीं है। और अकेले मोदी जी क्या करेंगे, हर हर स्टेट में मोदी जी को योगी जी जैसे खड़े करने पड़ेंगे,
हर स्टेट में हेमंत बिश्वा शर्मा और योगी जी जैसे लीडरशिप चाहिए, तब जाके काम होगा। आप देखो लैंड ग्रैबिंग में आजम खान 2.25 साल जेल में रह के आया और यहाँ पे एक 2 टके के छोटे सी दरगाह के मुंझावर को पकड़ने की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, फटती है इन लोगों की। और मैं अकेली लड़ रही हूं। एक मैंने आज तो उसको बोला, एक सरकारी अधिकारी को, मैंने कहा अगर इतना डर लगता है ना तो एक काम करो, पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम पे ट्रांसफर करो और देखो कि इस महिला में कितना दम है, करके दिखाती हूँ। 48 घंटे के लिए मुझे पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफर कर दो अगर तुम सबको डर लग रहा है तो, बताओ। और हमारी जान जलती है। और तो आपको क्या लगता है औरंगजेब और खिलजी और मोहम्मद गौरी तब थे, तैमूर वैमूर तुगलक ये सब अब भी है? सरकारी अधिकारियों की खाल में बैठे या कुछ नेताओं की खाल में बैठे? और ये जब तक परिस्थितियां नहीं बदलेगी, हर जगह भाजपा की सरकार हो जाए, पूरा भारत भाजपा भगवामय हो जाए, मगर जब तक उन राज्यों में कुशल नेतृत्व नहीं होगा, बिलीव मी, काम नहीं होगा आपका। जो काम हम करते हैं, हम काम करते हैं हमारी मातृभूमि को बचाने का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसलिए नहीं करा था ये सब कुछ कि जिनको सबको विलय कर में एक अखंड राज्य अखंड राष्ट्र बना रहा हूं, उसी के टुकड़े काट काट कर पाकिस्तान और बांग्लादेश और अब चिकन नेक अलग करने की बात, और यहाँ पे गुजरात में पूरा कच्छ, इन लोगों ने पूरा कच्छ तो पूरा अड़ा हुआ है पाकिस्तान से, वो बिल्कुल अलग। यहाँ पे हमारी कृष्णा नगरी नहीं बचा पा रहे, पूरा का पूरा बेट द्वारका हमारा खा गए, पूरा का पूरा बेट द्वारका वहां वो पूरा खत्म हो गया है बेट द्वारका। वहां पे सिर्फ एक आपका कृष्ण भगवान का मेन मंदिर ही है, एग्जिस्ट करता है, बाकी पूरा वो हो गया है, पाकिस्तान बन गया है। वो भगवान की जगह हम नहीं बनना पा रहे, क्या नए मंदिर बना के क्या करूंगे यार, जो पुराने ऐतिहासिक जो जो नगरी है, जो जो मेन भगवान का मंदिर, हम उनको ही नहीं बचा पा रहे। और जब हमारे जैसे लोगों की जान जलती है, हम निकलते घर का पैसा डाल के, और ये पैसा ऐसा नहीं है कि वन टाइम कंटिन्यू जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। मैं कोई ट्रस्ट बना के तो बैठी नहीं, मैं कोई डोनेशन लेती नहीं हूँ, ना मैं किसी से पैसा लेती हूँ, ना मेरा मैं किसी से मांगती हूँ, अपने दम पे जितना होता है कर देती हूँ, ना मैं कोई अपना एनजीओ खोल के बैठी हूँ। और मतलब भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, अपने को ऐसा लगता है कि लिटरली किसी मोड पर आकर ऐसा लगता है कि चलो 2 महीने बाद काम होगा, 5 महीने बाद, यू नो 5 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, होता ही नहीं है। 2.5-2.5, 3-3, 4 साल निकल गए। हमको तो मोदी जी के जाने के बाद 3-3 तो सीएम मिल गए। पिछले 8 साल में हमारे पास 3 सीएम आए, आनंदीबेन पटेल, विजय भाई रूपाणी और अब भूपेंद्र भाई पटेल। हमको 3 सीएम मिले, और ये पूरे टेन्यूर में, पिछले 8 साल में वही एक फाइल बिचारी रगड़ती जा रही है, हो ही नहीं रहा। Terrible. Also, see, Nupur Sharma, now she moves to Supreme Court to revive earlier plea to club multiple FIRs to seek stay on arrest. She had, you know, she had earlier withdrawn her earlier plea after the Supreme Court had on July 1st refused to entertain it while coming down heavily on her. Now she has sought to renew her plea that was withdrawn after the Supreme Court had on July 1st refused to entertain it. In her plea seeking to pursue her earlier petition, she has contended that due to the top court's remarks against her, she is facing threats to life from fringe elements. Therefore, she has sought the court's interference in clubbing the FIRs and transferring it to Delhi. Now, look at this lady, how much she's suffering. You know, even the party has abandoned her. Dekho, Hardik Patel jo hai, Hardik Patel jab Congress mein tha, मेरे पास वीडियो है जिसमें वो बोल रहा है कि राम के नाम पे ये लोग तो जो है अपनी दुकान चला रहे हैं। जब राम जी का शिलान्यास किया ना मोदी जी ने, भूमि पूजन किया, कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद, तो इन्होंने, हार्दिक पटेल ने मंच से बकायदा कहा था कि मैं तो यहाँ पे गुजरात वालों को ऐसा कह रहा हूँ कि यहाँ का मंदिर है उसमें तो तुम नहीं जा रहे हो, अयोध्या तक जाओगे क्या, पहले यहाँ के मंदिरों में तो जाओ। कैसे, मतलब कि
राम जी के लिए इस तरह के राम भव्य मंदिर जो बनने जा रहा है उसके लिए ऐसे गलत रिमार्क्स करे थे। मतलब आप भगवान के लिए गलत रिमार्क्स करो, यू आर वेरी मच वेलकम। और कोई आपके सामने शिव जी को लिंग है, योनि है, ऐसा लिंग होता है, तुम्हारी औरतें ऐसे लिंग को कहती है फुवारा फुवारा करके बोले जा रहे, और वो बिचारी ने जवाब दे दिया और उसको क्या मिला? फ्रिंज एलिमेंट है भाई वो। और विष्णु में बसे विस्की और रम में बसे राम, और ऐसे सब बोलने वाले नरेश अग्रवाल को राज्यसभा में सीट मिल गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नंबर्स के लिए समझौता करना चाहिए, करते भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास नंबर्स नहीं होंगे आप बिल पास कैसे कराओगे? लेकिन कहीं इन सब के चक्कर में आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो खुद शॉक हूँ और मैं खुद ये सोचती हूँ, क्योंकि अभी एक आईटी सेल के अरुण यादव आई थिंक नाम था उनका, मीना जी, जिन्होंने उस 2017 के उनके वो ट्वीट पे कि वो दारू उसमें जा रहा है और उसको पैगंबर बोल दिया गया है, उन्होंने ऐसा ट्वीट करा और उनको आईटी सेल से निष्कासित किया, अरुण यादव या शायद ऐसा ही कुछ नाम था पुराने 2017 के ट्वीट पे। तो वो तो 2017 में तो फिर उनका भी ऐसा ही वो, और वो नरेश अग्रवाल को के एक्शन के रिएक्शन में उन्होंने जवाब दिया था। तो क्या जेपी नड्डा को नहीं पता है? अब हर चीज में अपने लोग क्या है, हर चीज में मोदी जी सब कुछ नहीं देखते हैं, और मोदी जी बहुत ज्यादा लोकतंत्र में और डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, और वो सबको फ्रीडम देते हैं। जो फ्रीडम योगी को है वही फ्रीडम गुजरात के सीएम को भी है। जो काम योगी जी कर रहे हैं वो चाहे तो यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, जितना खुल के योगी जी बोल रहे हैं तो उतना खुल के दूसरे भी बोल सकते हैं, पर जो चीज जेपी नड्डा के कंट्रोल में है वही सारी चीजों में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मोदी जी को ब्लेम मत दीजिए, प्रॉब्लम जेपी नड्डा में मुझे लग रहा है। और सवाल करना चाहिए कार्यकर्ता को जेपी नड्डा से कि नड्डा जी क्या हो रहा है, जो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं आप उनको वेलकम कर रहे हो, और जो भगवान के खिलाफ बोल रहे हैं दूसरी पार्टी में लेके आप उनको भी वेलकम कर रहे हो, लेकिन जो आपकी पार्टी में भगवान हिंदुओं के देवी देवता के लिए गलत बोल रहा है उसका वो एक्शन के रिएक्शन में जवाब दे रहे हो, तो आप उनको टाटा बाय बाय कर रहे हो और उनको फ्रिंज एलिमेंट कह देते हो। तो जेपी नड्डा में मुझे लगता है उसको सवाल करना चाहिए। हर चीज में मोदी जी को वो फॉरेन डिप्लोमेसी देखते हैं, वो पूरा भारत देखते हैं, उनके दूसरे देशों के साथ रिलेशंस देखते हैं, उनके पास उनको उनको कितने सारे या जीने थोड़ी दे रही है सोनिया, कुछ ना कुछ राक्षसों की तरह वो जो यज्ञ में जो बार बार वो जो डालते हैं विघ्न, वैसे विघ्न खड़े करते। तो कोरोना का इतना बड़ा आया, आज 200 करोड़ डोजेस लग गए, 90 लाख लोगों को फ्री राशन दिया गया, तो आप सोचिए कि कितनी चीजें उनको हैंडल करने की है। तो पार्टी से रिलेटेड काम तो पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का है, तो ये प्रश्न करिए जेपी नड्डा से कि क्यों आप एक तरफ जो हिंदू देवी देवता को गाली दे रहा है आप उसका पार्टी में वेलकम कर रहे हो, और जो पार्टी में रहकर जो पार्टी के जो देवी देवता को गाली दे रहा है उसको वो जवाब दे रहे तो आप उनको निकाल रहे हो। या तो रूल है तो सबके लिए समान बताओ बनाओ, राम जी को गाली देने वाले के लिए भी क्रॉस और पैगंबर को देने के लिए भी क्रॉस, कोई नहीं चाहिए, तो अब रियल सेक्युलर बनो ना। आप वन साइडेड जेपी नड्डा सेक्युलर बन के बैठ गए कि आप पैगंबर के लिए कुछ मत बोलो, राम जी को जो मर्जी कह दो, अपने बाप का क्या जाता है, हिंदू तो है ही टॉलरेंट, कर ही तो रहा है बेचारा और कर लेगा, और चॉइस किया है। तो ऐसे लोगों पे मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए, और अगर जेपी नड्डा जी अगर कहीं इधर उधर हो रहे हैं और उनको लग रहा है तो उनको भी पता होना चाहिए कि एक चुनाव जेपी नड्डा जी अपने दम पे जीत के दिखा दे, मोदी जी के नाम पे मलाई खा रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो ये मोदी जी ने जो विरासत बनाई है उस विरासत को खत्म ना कर दे तो बढ़िया है ये लोग मिलके। What do you think, Kajal, is the reason for Smriti Patel, Smriti Irani becoming the minorities minister? उसको तो पता नहीं, एक मिनिस्ट्री है ना, तो एक और दे दिया। हाँ हाँ वैसे तो कुछ दोनों मिनिस्ट्री में कुछ खास करने लायक है नहीं, और मुझे नहीं पता वो माइनॉरिटी में उनको दिया है तो नकवी से तो बेहतर ही होगा, क्योंकि नकवी ने तो दोनों दोनों तो डेमो फ्रेंड्स किया है।
दोनों तो फ्रेंड्स हैं, दे वुड हैव शेयर्ड शेयर्ड और नकवी जी जो है वो कुछ ज्यादा जो उनका माइनॉरिटी में सिर्फ उनको मुस्लिम ही दिखता था, एटलीस्ट स्मृति जी फेयर तो रहेगी, एटलीस्ट वो फेयर रहेगी, मुझे इतना तो उन पे विश्वास है. Yes, let us क्योंकि नकवी जी जो है ना उनको सिर्फ मुस्लिम ही दिखते थे, माइनॉरिटी का मतलब ही उनके दिमाग में मुस्लिम था, इसलिए सारे बेनिफिट्स उसी और प्रवाह हो रहे थे. जो रियल माइनॉरिटी है उनको मिलेगा. Let us not be surprised anyway. हाँ. Meanwhile, you know, when you said that, see, paisa sab kuch hai. Ab ek, you know, the latest news is that a person like Sushmita Sen is now being welcomed by Lalit Modi, a fugitive. Okay. So he wrote that, why is the media so obsessed about trolling me, apparently wrongly tagging? Can someone explain? I guess we are still living in the Middle Ages where people can be friends and if chemistry is right, time is good, magic can happen. Now, iske piche bhi kuch garbar hai, Kajal. Because see, what people are saying is that, you know, Lalit Modi has got all the money. And when Sushmita goes and joins with him, if something happens to Lalit Modi and he's arrested, the money can go straight to the IPL mafia. This is what people are saying, okay? So, which means she's again going as a honey trap. तो ऐसे लोग बोल रहे हैं. आप, आप, आपका क्या विचार है? मुझे लगता है ललित मोदी इतना तो इनफ केपेबल है. वो एक बिजनेसमैन खानदान से बिलोंग करता है, वो खानदानी रईस है. तो सबसे पहले तो जो उस पे ये आरोप लगाए ना आईपीएल का कि उसने बहुत बड़ा वो यू नो करप्शन किया है आईपीएल में, वो तो बेचारा बलि का बकरा बन गया है. करने वाले कोई और ही है और वो जानते हैं कि किसने किया है. और आई नो पता नहीं, प्यार तो अंधा होता है, अच्छे अच्छे के आंखें बंद हो जाती है, भगवान उसको सद्बुद्धि दे. क्योंकि मेरे को नहीं पता अभी सुष्मिता सेन का और इसका, क्योंकि और मैं जनरली आई एम अ पर्सन की ऐसा कोई पर्सनल लाइफ में जब तक मैं इंटरफेयर नहीं करती जब तक मेरे देश को कोई नुकसान नहीं होता. क्योंकि इसमें तो, शिल्पा शेट्टी पर मैंने, इसमें तो देश का नुकसान हो रहा है ना आईपीएल से. आईपीएल से तो हो रहा है लेकिन है ना शिल्पा शेट्टी का मैंने आपको बताया कि मैंने तब शिल्पा शेट्टी और राजकुंद्रा पे मैंने तब बोला था क्योंकि राजकुंद्रा ने जो किया था इसलिए मैंने फिर उनकी एक पूरी बात आपको बताई थी. इसका क्या है अभी सामने आया लेकिन मेरे को कहीं से भी सुष्मिता सेन का जैसे मैं इंस्टाग्राम पे मैंने देखा तो उसने कुछ ना तो इस बात को स्वीकार किया है ना उसने कोई एक्सेप्ट किया है ना ही उसने ये लिखा है नो रिंग्स नो वो ऐसा सब कुछ उसने लिखा है. मगर आपको ये मालूम है काजल दैट यू नो इन हर लाइफ there have been around 14 people, okay, 14 people, 14 men in her life, okay. So at every point you will think what was happening. You had Vikram Bhatt, Mahesh Bhatt's nephew, then in between you had this guy Imtiaz Khatri. Who is Imtiaz Khatri? Everybody knows. Yeah. He's involved in the SSR death case, okay. Then she moved on to some Kashmiri like a Shawl, his name is Shawl. Now this is 14 people like this. This is not love, Kajal. If it is love, you mean to say 14 times, 15 times she has loved? And नहीं वो तो नहीं नहीं बॉलीवुड वाली जो हीरोइन है वो प्यार व्यार नहीं करती है वो तो. और सुष्मिता की मैं इस बात से एग्री भी करती हूँ, उसने लिखा है ना मुझे गोल्ड डिगर कह रहे हो, नहीं मैं डायमंड डिगर हूँ, मैं खुद कमा सकती हूँ. नहीं वो सच में डायमंड डिगर ही है और वो उस बेचारे को फंसा रही है एंड उसको समझ में नहीं आ रहा है. और इन लोगों को कोई वो आपको क्या लग रहा है कि सुष्मिता को कोई कमी होगी? उसको तो क्या है कि पैसे वाले से कर लो शादी और फिर क्या है, मजे तो बाहर मारने के लिए मर्द तो बहुत सारे अवेलेबल है ही है, कौन मना करेगा सुष्मिता अगर किसी को बोलेगी तो. तो ऐसा है कि प्लानिंग के साथ ही होता है. और ये सारी जो महिला है जो एक्ट्रेस होती है वो आप देखो कि कितने भी मल्टीपल अफेयर करे पर वो सेटल जो होती है वो हमेशा एक पैसे वाले बिजनेसमैन के साथ ही होती है सेटल. फिर वो चाहे कैसा ही दिखता हो, चाहे कितना ही बूढ़ा हो या चाहे उसके कितने यंग बच्चे हो, पर वो अनुज सिंह या अनुज सिंह ललित मोदी नेटवर्थ इज 4555 क्रोस. 4000 करोड़ नहीं बहुत कम बता रहे हो. दैट्स व्हाट 4500 कम है, बहुत कम है वो. ललित मोदी की बहुत ज्यादा है, वो खानदानी रईस है, उसके वो उसके जो बाप दादा उसके दादा के जमाने से उनके पास इतना पैसा है तो उनके पास कोई कमी नहीं है ललित मोदी के पास में.
और ये वर्थ जो आप 4,500 करोड़ कह रहे हो वो भी बहुत कम है। coming back to again coming back to the Mahavikas Agadi, Kajal. See, somewhere there is a feeling that all the time what Uddhav Thackeray is scared of is that will his son be caught by Eknath Shinde's party, you know, in the SSR case or any other case following that. So all the time he's trying to protect his son. Now, how long do you think he can protect his son? मैं आपको honestly बताऊं, जितना मैं समझती हूं, कुछ नहीं होने वाला है। At the end of the day, क्या होगा? टेबल पे बैठ के सारे सेटलमेंट्स होंगे। एक आदित्य ठाकरे की बलि से कोई फायदा नहीं होने वाला है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का। तो लार्जर वे में अगर वो अपना फायदा देखेंगे या धर्म का या देश का या वहां की जनता का या वहां के वोटर्स का फायदा देखेंगे तो वो ये सोचेंगे कि भाई अगर ये बात ये ढकने से हमको ये फायदे हो रहे हैं तो लेट इट बी। तो वो क्यों उसको बलि बनाएंगे? सामने वो लोग तो वो करेंगे ना, ब्लैकमेलिंग तो इसी को ही कहते हैं। क्या कहते हैं कि तू ये चीज में चुप हो जा और स्टेप बैक कर ले तो तेरे ये सारे मैटर जो है हम दबा देंगे। यही तो होता है, यही तो टेबल पे सेटलमेंट होता है। क्योंकि लार्जर वे में देखना होता है ना कि एक आदित्य ठाकरे जेल में चला जाएगा, आपका मेरा क्या बिगड़ेगा? मगर उसके सामने ये देखते हैं कि 3-4 करोड़ मुंबई वासियों के भले हो रहे हैं, तो वो भला करेंगे या उसको एक को जेल में भेजेंगे? तो ऐसा हो, इस तरह से टेबल पे सेटलमेंट होते हैं मीना जी। तो हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि एथिक्स की यहाँ पे कोई जगह नहीं है, सच्चाई की यहाँ कोई जगह नहीं है, न्याय की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और जाने वाला SSR चला गया है, वो वापस आने वाला नहीं है। और उसके जो भी कातिल है, अगर उनको उन कातिलों को मतलब छोड़कर सामने दूसरे फायदे हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो कैलकुलेटिव माइंड वाला बंदा है वो फायदे देखेगा। अभी सो व्हिच इज देन बलि तो चढ़ाई जाती है ना, आप अभी अभी भी नहीं समझते अपने, ये नुपुर शर्मा की बलि तो चढ़ गई है। ऐसी बलिया तो देनी पड़ती है, ऐसी बलिया चढ़ानी पड़ती है, उसमें क्या करेंगे हम? व्हिच इज आल्सो explains the fact that see somebody has said that they have allowed Paramveer Singh to leave the country and he will not return. Who? Paramveer Singh, commissioner. वो तो अभी वैसे भी देश से बाहर ही है ना, और वो वापस नहीं आएंगे। नहीं आएगा, so he was लंदन में आएगा ना। हाँ, so he was the main part in the SSR murder. He knows everything inside out. तो वो तो नहीं आएगा ना, वो तो वहां रहेगा, यहाँ पे आके जेल में क्यों जाएगा? अच्छा, वो उसका क्या नाम है, एनसीपी से जो बने थे होम मिनिस्टर, में उनका नाम भूल गई, देशमुख वो कहाँ है? वो तो जेल में है। नहीं, वो उसने तो सामने से आके सरेंडर करा, लेकिन वो तो अभी प्रूव हो जाएगा तो बेल पे छूट जाएगा, लेकिन जो आई विटनेस है जिसने देशमुख का नाम लिया वो कहाँ है? वो भारत के बाहर है। तो जब आई विटनेस ही नहीं होगा तो कोर्ट तो बेल दे ही देगी ना, आज नहीं तो कल, कि कोई विटनेस तो है नहीं, तो कब तक आप देशमुख को अंदर रखोगे? विटनेस लाओ, तो विटनेस तो है नहीं, तो वो तो बाहर आ जाएंगे। So Maya is saying, Kajal, 100% on target. AU case will be bartered for some political agenda. हाँ, वो वही होगा, कुछ नहीं होगा। उद्धव ठाकरे बाप बेटे का, इन्होंने जितने भी गलत काम करे हैं, जितने भी वो करे हैं, इनको ऐसा ही कहा जाएगा कि भाई आप शांति से बैठ जाओ एक कोने में, आपकी ये सारी फाइलें हमारे पास पड़ी है, अगर आप चाहते हो कि आप आपकी बाकी की जिंदगी चक्की ना पीसो तो आप चुपचाप एक कोने में जाके बैठ जाओ, क्योंकि इनको जेल भेज कर वैसे भी कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो जो फायदा होने वाला है वो उस फायदे को लेना, यही तो पॉलिटिक्स है। इज दिस व्हाई यू नेवर बिकेम अ पॉलिटिशियन? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हो भी नहीं। और मतलब कि पॉलिटिशियन, अब देखिए कि योगी जी है वो कितने क्लियर है, उनको पता है उनको क्या करना है, उनके दिमाग में ये राजनीति आती ही नहीं है।
ये राजनीति के दांव पेच योगी जी करते ही नहीं है, वो बहुत क्लियर है उसको, उनको क्या करना है, उनको क्या बोलना है, उनको क्या लिखना है, उनको किसको कैसे जवाब देना है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया, एक एक मजहब की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वो अब्बास नकवी ट्वीट करने लग गया कि इसको धर्म से और किसी जाति से नहीं जोड़ना चाहिए, तुम्हें क्यों मिर्ची लगी, तुम्हारा नाम लिया क्या, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, माइनॉरिटी माइनॉरिटी बन के सारे बेनिफिट ले रहे हो, पहले तो इनको माइनॉरिटी दर्जे से हटाना चाहिए। और स्मृति ईरानी से तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि पारसी, जो कि स्मृति ईरानी है, पारसी जैन बुद्ध ये जो है ये हमारे देश में माइनॉरिटी है, सिख ये सब माइनॉरिटी है, लेकिन मुस्लिम कब से 20% होने के बाद भी माइनॉरिटी, पहले तो इनके दर्जे छीनो माइनॉरिटी के, तो ये भी तो करना पड़ेगा, इसके लिए भी किसी को सोचना पड़ेगा, किसी को PIL फाइल करनी पड़ेगी कि इनको पहले माइनॉरिटी में से बाहर निकालो, या एक क्राइटेरिया तो सेट करो कि माइनॉरिटी क्या होता है, पता तो चले। और योगी जी जैसे नेता, मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, बहुत कम मिलते हैं, बहुत स्पष्ट है वो बंदे, और मैं समझती हूँ कि ऐसे बहुत कम नेता होते हैं, और ऐसा ही स्पष्ट रहना चाहिए। आपके भाई अभी यहाँ पे जो जिस भाई ने प्रश्न करा कि दैट्स व्हाई नॉट यू आर नॉट इन पॉलिटिक्स, अगर मेरे खराब से खराब सपने में भी अगर मैं पॉलिटिशियन बनती हूं ना, तो एक बात तो तय है कि जो है स्पष्ट है, ये राजनीति अपने बस का है ही नहीं, हम करने वाले भी नहीं है, हमसे होगा भी नहीं, और अगर रहेंगे भी ना तो ऐसे ही रहेंगे जैसे योगी है, कि बहुत क्लियर है उनके दिमाग में, और उनको पता है कि ये आजम खान को लैंड ग्रैबिंग में 2.25 साल जेल में रखा है योगी जी ने, 2.25 साल, और अभी हेल्थ इश्यू पे ये बाहर निकला है बेल पर, लेकिन वो भी उसका कुछ कंडीशन के साथ कोर्ट ने इसको बेल दी है, और साथ में केस तो चल ही रहा है, जैसे सिद्धू सजा काट रहा है ना, सिद्धू अभी जेल में है ना, वैसे इसको भी कभी ना कभी तो कन्विक्टेड होगा ना, तो जाना तो पड़ेगा ना इसको अंदर, और तो राज बब्बर को भी 2 साल की हुई ना, राज बब्बर को ऐसे इसको भी तो होगी ना, कभी ना कभी तो होगी। काजल, जब लोग जेल जाते हैं तो खाना खाना के खाना तो अच्छा नहीं होता है, तो वेट लूज करते हैं, यहाँ तो सिद्धू तो डबल वेट हो गया। उसको तो अंदर बेनिफिट्स मिलते हैं ना सारे, बहुत फायदे मिलते हैं अंदर। टिफिन आता था संजय दत्त का, आपको पता नहीं है, संजय दत्त जब तक जेल में थे उनके घर से उनके वहीं से टिफिन जाता था और कितनी बार पेरोल पे छूट छूट के आ गए संजय दत्त, और फिर बाहर आके मस्त संजू मूवी बनाकर एकदम वो जैसे कैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाती है और वापस शुद्ध होके आती है, वैसे इतने कुकर्म करने के बाद में संजू मूवी बनाकर विक्टिम प्ले करके एकदम क्लीन हो गए संजय दत्त। काजल, there's a question from Tom and Jerry, वो पूछ रहे कि आपको ये what's her name, ये लोग तो पेन नेम डालते हैं क्रोकोडाइल, कौन है क्रोकोडाइल, ये जो No, let me tell you. I'm just trying to recall. Somebody will just give me. These are the two people, suspicious people in the Sushant Singh movement. One is Nilotpal, and the other is, I'm just not getting her name. Yeah, Smita Parekh. Smita Parekh. Everybody calls her crocodile. Now he's asking. He's asking if she knows about the suspicious ladies with all of her NGOs and her political contacts. Now she was boasting about having an NGO. And also being very close to Paramveer Singh and being able to walk into Shiv Sena office or house, the Thackeray's house, inside out without any problem. And she is the one who was supporting Sushant Singh's sister. Till the sister found out recently that she is not a good well-wisher. So she moved out of her, side. आपको इसके बारे में कुछ मालूम है? नहीं, मुझे आइडिया कुछ नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुंबई में पत्ता भी हिलता है तो वो ठाकरे की मर्जी से हिलता है, और इतनी गंदी पॉलिटिक्स होती है कि आपका ही अपना जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हो और आपको लगता है कि ये आपकी आपकी बहन बन के बैठी है या आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन के बैठी है, आप नहीं ट्रस्ट कर सकते कब कौन क्या आपके पीछे। इवन तो मेरे इन सारे कामों में मैं आपको बताती हूँ ना, मैंने इतना एक्सपीरियंस किया, ये तो बहुत हाई लेवल की बात हो गई, मैं आपको बहुत छोटे लेवल की बात बताती हूँ जिसमें प्रत्यक्ष मैं हूँ, और जो लोग मेरे साथ टीम में थे और सारी बातें जानते थे,
वही लोग जो है सारी टिप सामने जिहादियों को देते थे कि अब तुम पर ये, अब इस तुम्हारी ये फाइल इनके पास में, तुम्हारे खिलाफ ये डॉक्यूमेंट माय इनके गॉड, पास है, अब ये पुलिस वालों को ये आज ये देने जाएगी। इस इवन कुछ हिंदू संगठन के लोग बिके हुए, अब आप बताओ आप किसको बोलेगी। जो आपसे फिर रोल आता है अधिकारियों का, कुछ एक अधिकारी जो आपके मुंह पर इतने मीठे बन के, हिंदू अधिकारी इतना कंसर्न दिखा रहे और कह रहे कि हाँ ये गलत काम है, ये सही बात है, ये हो रहा है, और वो बैक डोर से मेरे जाते ही फोन कर रहा है, मैडम आई थी तुम्हारा ये लेके, क्या करना है बताओ। आप इमेजिन कर सकते हो, वही लोग जो मेरे मुंह पर जय श्री राम करते रहते हैं, सुबह से शाम तक हिंदुत्व की पोस्टें करते रहते हैं, जिन पर मुझे लगा कि अरे भगवान ये तो इतना मतलब कि साक्षात हिंदुत्व का चेहरा है, वो धोखा देते हैं। तो जो राम के नाम पर धोखा दे दिए, तो लेकिन एक चीज है कि भगवान जो है ना वो छोड़ते नहीं है, वो भगवान जो है वो जरूर अपना, सरकार किसी को दंड दे या ना दे, भगवान दंड देता है। हनुमान चालीसा करने से रोका ना, हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डाला ना, हनुमान जी ने 40 दिन में इनको हटा दिया ना। और जो जो राम द्रोही थे उनकी आज हालत देख लो, मुलायम की हालत देख लो, लालू प्रसाद की, वो मौत मांग रहे, उनको मौत नहीं मिल रही है। इन सब राम द्रोहियों की हालत देखो, सोनिया गांधी की हालत देख लो। सी सी काजल, आई वांटेड टू टेल यू वन थिंग. सी यू नो स्वामी नित्यानंदा, ही हैड एन आश्रम इन गुजरात. ओके, एंड देयर दीज इट इज कॉल्ड अ गुरुकुल, द चिल्ड्रन आर टॉट, यू नो, जस्ट लाइक ओल्ड फॉर्म ऑफ टीचिंग. नाउ दीज चिल्ड्रन बिकेम सो इंटेलिजेंट, दे कुड डू ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग, एंड दे बिकेम सो सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंट दैट द स्कूल्स, एवरी द स्कूल्स इन गुजरात vicinity, they said we want to learn more from these children. So they were spreading very fast. एक दिन they sent what do you call, just like you said, somebody from insider to say that these children are being abused, some children are being kidnapped, you know, and Swami Nityananda has to be, you know, the people have to be arrested. Now they came with police. Now in the ashram there were only women. Okay, see, male police cannot touch women. Still, they caught this woman. She was having her periods. They caught her from the bed and dragged her to jail. Can you imagine? The person who was looking after the ashram. And behind all this, everybody knows there is a very big conspiracy, you know, against our gurus. And this is what has happened there. And then what they did was they brought these children. They showed them pornographic pictures, you know, and they told the children, you know, your guru is like this. The children, which are 5 years old, 6 years old, they are so intelligent. They said, no, this is all morphed pictures. You know, these are made up pictures. In at their age, they are saying, you are trying to fool us. Our Swamiji is not like this. So you can imagine what kind of strategy, you know, these people are using. When they told me the story, I was literally in tears. You know, what they are doing to our gurus, what they are doing to our you know, our ashrams and to our Gurukul. Bishop Franco has raped the nuns. He's still in power there. Has anybody talked about him? No. नहीं, और बिशप पर जब उनकी नन ने इतने आरोप लगाए तो आज क्या हो गया, वो तो छूट गया और उन नन पर उल्टा पूरा वो हो गया, हाँ और उन हाँ नन को अभी तक न्याय भी नहीं मिला। और हमारे गुरुओं पर तो आश्रम जैसी वेब सीरीज भी बन जाती है, या एग्जैक्टली, दिस इज द तो है ना प्रॉब्लम. ये जो पूरा एक एजेंडा चल रहा है वो तो चल ही रहा है। वट एवर वर्क यू आर डूइंग काजल, इट इज ग्रेट एंड वी ऑल अप्रिशिएट इट. यू आर डूइंग इट विद अ लॉट ऑफ बोल्डनेस, बट आई विश मोर पीपल वुड सपोर्ट यू. एंड लाइक यू से, इफ इफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अवेयर ऑफ वॉट इज हैपनिंग इन गुजरात, इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, बिकॉज हिज पीपल आर नॉट टेलिंग हिम और इन्फॉर्मिंग हिम द करेक्ट थिंग. यू नो, इट इज हाई टाइम, दिस आई हैव सीन. You know, even there was a tweet from someone I admire very much, a friend of mine called Shailesh Pandey. He was saying that even in the National Highways, you know, building, 90% there is corruption. We Yes. think Nitin Gadkari is very, very clean, okay? But this is what he has said. And he will not say with that without proof. So which means they have to, the people who are behind all these babus who are working, they have to be pulled up.
And everywhere there has to be a more cleaner system. You know, I don't think these people are doing. Do you think any of these ministers are doing half the work that you are doing? अगर नेता काम करते तो हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को शौक चढ़ा था घर बार छोड़ के छोटे छोटे बच्चे छोड़ के घर का पैसा लगा के दुनिया भर की दुश्मनी मोल लेके जिहादियों के डेथ थ्रेट रेप थ्रेट एसिड अटैक थ्रेट ये सारे लेकर हम ये करते। नेता जो है जो काम जितना काम मोदी जी और योगी जी और करते हैं ना उसका 5% ही अगर कर लेते ना तो हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उसमें भी महिलाओं को उसमें भी हमारे जैसी यंग महिलाओं को इतना जोखम भरा जीवन जीने की जरूरत नहीं पड़ती। मीना जी मैं बॉडीगार्ड्स के बिना घर से बाहर जा नहीं सकती हूँ ऐसी लाइफ हो गई है। आपको अच्छा लगेगा आप 24 hours सर्विलियंस पे रहोगे आपको अच्छा लगेगा कि आप कहीं भी जा रही हो बॉडीगार्ड साथ में आप अपनी मर्जी से कार में अपने पति के साथ बात नहीं कर पाओगी। मैं हम हर जगह बॉडीगार्ड होते तो बाहर जाना छोड़ दिया बच्चे और पति चले जाते मैं नहीं जाती थिएटर में भी बच्चे और पति चले जाते मैं नहीं जाती क्योंकि मेरी वजह से वो लोग हाँ। क्यों वो करे तो अगर ये नेता मेरी मैं तो मतलब विनती करती हूँ अगर ये नेता कुछ काम कर लेते तो हम जैसे लोगों को क्या पड़ी थी अच्छे खासे बिजनेस कर रही थी मैं सबको छोड़ छाड़ के बैठ गई हूँ। No, very sad to hear all this. See, it's, you know, strong women, Hindu women like you will always be the target of attack. Will always be. Because see, you are speaking so boldly and you're speaking the truth. So, unless there is... नहीं है ना घुमा के बात करना मीना जी और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम जैसे लोगों का पता है क्या कि हमें कोई खरीद नहीं सकता ना पैसों से ना पावर से ना किसी लालच से ना कोई कुर्सी खरीद सकती है ना कोई पद खरीद सकता है कोई नहीं खरीद सकता मुझे तो एटलीस्ट कोई नहीं खरीद सकता इतना मैं दावे से कह सकती हूँ। और इसलिए हम जैसे लोग जो है वो पहले कटते हैं हम बहुत और आपको क्या लगता है नूपुर शर्मा जिंदा रहेगी वो कब तक उसकी कोई चौकीदारी करेगा 2 साल बाद 3 साल बाद मैं कहती हूँ भगवान उसको लंबी उम्र देना बट वो चांसेस नहीं है उसके उसका उसको मार ही देंगे ये लोग ये लिख के रख लो आप ये होगा ये जिहादी नहीं छोड़ेंगे उसको। उस बिचारी की इतनी गलती है कि उसने शिव जी का अपमान होते हुए नहीं सुना सुन लेती तो आज उसका पद भी रहता पावर भी रहता और सेफ भी रहती बिचारी ने नहीं सुना और जवाब दे दिया तो जेपी नड्डा ने जो है उसको निकाल दिया और सबके पास में अपने अपने पावर है होम मिनिस्टर अपने काम करते हैं उन्हें नहीं अच्छा लगेगा कोई उनके काम में दखल दे उसी तरह से जेपी नड्डा जो अपना काम करते हैं उन्हें भी नहीं अच्छा लगेगा ना कोई उनके काम में दखल दे और उसी तरह से जो है हमारे सारी अलग अलग फॉरेन मिनिस्ट्री है सारी अलग रेलवे मिनिस्ट्री है तो किसी को किसी की दखल अंदाजी थोड़ी ना अच्छी लगेगी क्योंकि ये तो मतलब पितृसत्ताक पार्टी तो है नहीं कि जो करेगा कांग्रेस में सोनिया अम्मा कहेगी वही पत्थर की लकीर है यहाँ पे तो सबको चुना गया है और बकायदा यू नो वोटिंग के साथ आए हैं चुने गए तो सबके अपने पावर्स हैं। ओके ऑन दिस नोट काजल वी एंड द सेशन थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर थॉट्स एंड आल्सो यू नो इन मोटिवेटिंग द यंग वुमेन अमंग आवर व्यूअर्स यू नो टू बी बोल्ड एज यू बिकॉज़ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट asset for the country. Ji ji, thank you so much, Meena ji. Thank you and good night. Yeah, good night. Thank you.